बुलशा के कलाम सुनने से बंदा फकीर हो जाता है, जन्म से ही संत फकीर है। झूठा संसार है जहाँ कोई किसी का नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदो सता हमारा। ये गुरदास मान ने भी बोला है, नच लै गाल में हुबता पाल की लै जाएगा। असा टूडे सारा जमाना, तेरे वाजो ना कोई टिकाना। संत महात्मा यही समझाते हैं कि दिल की सफाई, नज़र साफ, हकलाल की रोजी। साईं बाबा बुले शाह हकलाल की रोजी पे जोर दे रहे हैं। उठावेंगा फिर ना आकर बदला दे से, लाखी खेत लुटावेंगा, दाला के बिच जग दे जुए जितते दम रावेंगा। दिल की सफाई, नज़र साफ, हकलाल दी रोजी, नशे पाइन तू दूर। इस वखर को लैन नू आया, राम नाम संतन गर पाया, राम नाम संतन गर पाया। साधु रे ओ रे ओ गुरु गोविंद, ये तीन चीज़ा ने रहना बंदा मेरी कर रहा है। सीधे आखे कुछ मिलन सजाइया, जड़ा मैंने राई आखे तो बेशत पिंगा पाइया। मैं हर चीज़ छड़ सकता, अपने गुरु पीर मुर्शिद नहीं छड़ सकता। अस मालिक वालों चोरी कम कर रहे हैं, मालिक वेख रहे हैं, पाई पाई का हिसाब देना पाऊ। रब की पूजा माँ है, रब का रूप है दूजा, माँ है ठंडरी शाह ओ दुनिया वाले ओ, पुत मंडावन जमीना तीयां दुख बनांदियां ने। कदी नहीं सौंदे तुहाडी किवें अख लग गई, इधर वख लग गई, उधर वख लग गई, अल्लाह वाले कदी नहीं सौंदे, मुर्शिद वाले कदी नहीं सौंदे। जे रब दे प्यारे हो कदी सौंदे ही नहीं है। रब नाल प्यार पाना चाहिदा, दुनिया खुद कर जाए, दुनिया नाल प्यार पाने कोलों उस रब नाल सच्चा इश्क और प्रेम प्यार करना चाहिए। पंजाबी कहावत है, घर की मुर्गी जी है दाल बराबर है। इंसान जड़ा बड़ा बेकदरा, इस को जानवर चंगे जड़े एक दूसरे प्रेम नाल गल करने, पता नहीं अस कड़े मिट्टी ने बने हुए हैं। अगर एक डके चो दूसरे डके च भी पौधा दाना उड़ के चला जाएगा, उसका भी हिसाब संसार च देना देन आना पौगा। ढा दे मंदिर, ढा दे मस्जिद, ढा दे जो कुछ टहदा, बुले शाह एक बंदे दा दिल ना टावी, ओदे विच मेरा रब रहंदा। सतविंदर सिंह, सतविंदर सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और सबसे खास बात इनकी ये है, जब इनसे बातचीत हो रही थी प्रोग्राम से पहले, बहुत सारे बुल्ले शाह के कलाम इन्होंने हमें सुनाए हैं। और बुल्ले शाह के कलाम अगर आपने कभी सुने होंगे, आई एम श्योर सबने सुने होंगे, क्योंकि इंसान एक अलग ही दुनिया में चला जाता है जब बुल्ले शाह के कलाम सुनता है, उसको ज़िंदगी के मायने समझ आते हैं। आज हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ज़िंदगी के मायने पता चले, उसी मकसद के साथ इस प्रोग्राम को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो सतविंदर जी, मैं चाहूँगी इससे पहले हम थोड़ी बातचीत करें, उससे पहले आप एक बुल्ले शाह का कलाम अर्ज कर। पहले हंस के जेड़े करन गल्लां, पिछों पिठ दे वार चला जांदे, बुल्ले शाह जे रब नज़दीक होंदा, लोकी अज दी डेट च रब नूं भी वेच के खा जांदे। और क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से आपकी ज़िंदगी की जर्नी रही है, क्या कुछ सीखा है आपने, क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है ज़िंदगी से? बस ज़िंदगी में यही सीखने के लिए मिला है, क्योंकि जहाँ इंसान झूठा संसार है जहाँ कोई किसी का नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में मौत के बाद शमशान घाट पे गड़ा गुनी तोड़ देते हैं, कहते हैं आज के बाद नू तू ना सांदा नासी तेरे, घा दा तीला टुट गया, तेरा लिंक भी साढ़े कन टुट गया, सज्जन संत ढूंढ पक्या जेड़ा मोया ना जसी छोड़, प्रेत प्रेत कर बागी, काढ़ो काढ़ो होए फिर काढ़ो काढ़ो होए, कढ़ो तो रोटी खाइए। अगर जने दा जनानी नू सपना आ जाता है 11 रुपये न्याज दे के लै के गुरुद्वारे मंदिरां च चली जाती है, दुबारे नज़र नहीं आना चाहिए, डर लगता है। ते अगर फोटो सीधा लग्या होएगा मौत तो बाद उल्टा कर दें, डर लगता है। जिले बैंक च पेंशन दे कोड़े कोरे 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 नोट कढ़ाई है, उल्ले डर नहीं लगता। आपां भी संसार च गुरबाणी जी, रामायण जी, गीता जी और बाइबल जी और शिव कुरान जी ते कुरान पाक जी खबरदार करते हैं कि इस संसार च फसना नहीं चाहिए, इस संसार खबरदार करते हैं इस तरह रहना चाहिए जिया मरगाबी रहती है ते कमल दा फुल रहिंदा, सज्जन संत ढूंढ पक्या जड़ा मोया ना जसी छोड़। तो हर धर्म की अपना एक पवित्र ग्रंथ है, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, क्या मैसेज देते हैं, सबसे एक मैसेज जे मैसेज देते हैं, मोहम्मद इकबाल जी हुए हैं, उन्होंने एक ही मैसेज दिया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदो सता हमारा। क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद गिरजा बना बैठे, परिंदों में ना फिर कापस्ती के देखी, कभी मंदिर जा बैठे कभी मस्जिद जा बैठे। तो एक ऐसा, जैसे आपको गुरबानी की भी बहुत सारी लाइंस याद हैं और बुल्ले शाह के कलाम याद हैं, गुरदास मान ने जो इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं जिससे रूह झंझोर जाती है वो याद है, तो सबसे फेवरेट वाला अपना कौन सा है आपका, कि जो आपके बस रूह में बस गया, दिल में बस गया एक ऐसा? असा टूडे सारा जमाना, तेरे वाजो ना कोई टिकाना, असा टूडे सारा जमाना,
तेरे बाजू ना कोई टिकाना, एक मिलिया सी तेरा दीवाना, एक मिलिया सी तेरा दीवाना, उसने दसिया सी पालमपुर दा टिकाना, ओ तेरे बाजू ना कोई टिकाना, तेरे बाजू ना कोई टिकाना। क्यों राम मिलते नहीं है, जितना मर्जी नाम जप लो, क्या इंसान को समझने की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं समझ? जे संत महात्मा यही समझाते हैं कि दिल की सफाई, नज़र साफ, हक लाल की रोजी, साईं बाबा बुल्ले शाह हक लाल की रोजी पे जोर दे रहे हैं। हक पर आया जातो ना ही खाखा बार उठावेंगा, फिर ना आकर बदला दे से लाखी खेत लुटावेंगा, दाला के विच यक दे जुए जित्ते दम रावेंगा। दिल की सफाई, नज़र साफ, हक लाल दी रोजी, नशे पाइन तो दूर, करैक्टर उच्चा, बद चलन तमा गुस्सा नहीं, भगत दे पीर मुरशिद पूर्ण होणगे ते ताई रब नू जिंदे जी पाया जाई सकना। क्योंकि श्री राम जी होए उन्हां दा भी गुरु होया, कृष्ण महाराज जी होए उन्हां दा भी गुरु होया। गुरु जी रब नू पाने वास्ते भगत दा पूर्ण बचोला चाहिदा, बचोले थ्रू ही रब नू पाया जा सकदा। अच्छा, तो जिस तरह से बुल्ले शाह की कलाम के बहुत सारे दीवाने हैं, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं, तो क्या रीज़न है, क्या कारण लगता है जब उनको सुनते हैं तो इंसान को कैसा फील होता है, किस तरह से वो खो जाता है उसमें? लोए लोए साड़ी जवानी है, जवानी मौके भजन बंदगी इबादत का भांडा भरया जा सकता है। मौत शाम है, कब्र शाम है, कब्र च लाइट चाहिए है। जिंदे जी रब ना पाया, मरने तो बाद कुछ तक ना सुख विच ग्रहस्त दे ना छड़िया, सुख है विच विचार दे संतां शरण पिया, अगर एक कबूतर अखा नूट लवे सोचे बिल्ली नहीं वेख रही, बिल्ली वेख रही है, अस मालक वालों चोरी कम कर रहे हैं, मालक वेख रहा है, पाई पाई का हिसाब देना पेगा, पाई पाई का हिसाब चुकाना पेगा। बाकी एक लड़का जिंदे जी पढ़ाई ना की, जिंदे जी रब ना पाया, मरने तो बाद कुछ देखिया, जिंदे जी एम ए डिग्री ना मिली तो मरने तो बाद कुछ तकिया, तो जिंदे जी रब ना पाया तो मरने तो बाद मिलना नहीं है। पंजाबी कहावत है घर की मुर्गी जी है दाल बराबर है, इंसान जड़ा बड़ा बेकदरा, इस को जानवर चंगे जड़े एक दूसरे प्रेम ना गल करने, पता नहीं अस कि मिट्टी ने बने हुए हैं, अगर एक डके चो दूसरे डके च भी पौधा दाना उडर के चला जाएगा, उसका भी हिसाब संसार च देना देन आना पेगा। तो अपनों भी चाहना कि भजन बंदगी के जरिए ही रब नूं ध्याया जाए, तो साईं बुल्ले शाह जी का कलाम दूसरी जगह दस रहे ने, बुल्ले नूं लोकी मत्ती देंदे बुल्लिया जा बिच मसीता नूं, ते बाबा बुल्ला शाह कहिंदे विच मसीता की कुछ होंदा दिलों नवाज न लीती, बाहरों पाक कितियां की होंदा दिल अंदरों न गई पलीती, मिन मुरशिद कामल बुल्लिया तेरी एवें गई इबादत कीती, दिल काले कोलो मूह काला चंगा ते जे कोई उसनों जाने, ते जे कोई उसनों जाने, दिल अच्छा होवे मूह काला होवे ते तां कदी यार पछाने, ओ मुल्ला काजी छड मसीता नठे जद लगे दिल टकाने। तो दो तीन बीच में लाइंस थी, जिस तरह से आपने बताया कि बुल्ले शाह को लोग बोलते हैं मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, वहाँ खुदा को ढूंढो, और आगे से बुल्ले शाह बोलता है जब तक तुम्हारे दिल में नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है, और दूसरा जब आपने बताया कि अपनी लाइंस में कि जानवरों में इतना प्यार होता है पर ये जो प्रेम की भावना है इंसान कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है, तो उसको लेकर क्या मैसेज देंगे हमारे दर्शकों को? संत महात्मा जिले भी रब नू पाया, पहले संगीत के जरिए पाया, क्योंकि गुरु नानक साहब का भी, गुरु नानक साहब के भी चेले माला मरदाने से, आप संगीत भजन बंदगी कीर्तन नाल ही रब नू पाया जा सकता। अगर गुरबाणी की दो लाइन्स आप सुना रहे हैं? गुरबाणी की लाइन यही है, नाम रेओ साधु रेओ रेओ गुरु गोविंद, जिस वखर को लैन नू आया राम नाम संतन गर पाया, राम नाम संतन गर पाया, मित्र प्यारे नू हाल मरीदा दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासां दे रहना सूर सराई खंजर प्याला, विंग कसाइयां दे सहना यर्रे दा सानू सत्तर छंगा पटखेड़ियां दे रहना, मित्र प्यारे नू हसी हाल मरीदा दा कहना, ओ गुरु गोविंद सिंह आए चमकारे पहन
ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜਬ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਜ਼ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸਭ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੋ ਧਿਆਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਰੱਬ ਕੋ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਰਾਤ ਕੋ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣੇ ਸੇ ਰੱਬ ਕੋ ਖੁਦਾ ਕੋ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਵੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਵੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਂਦੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਜਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਵੈ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਹਮਤਨ ਹਿੰਦੂ ਸਤਾ ਹਮਾਰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆ ਇਹਨੋਨੇ। ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੇ ਹਮਨੇ ਆਪਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਮੁਝੇ ਵੀ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਲਗਾ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਆਗੇ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੇ ਆਪਕੋ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਤੇ ਰਹੇਂਗੇ।